साथ एक स्पेशल फ्लाइट इस्लामाबाद की रवानगी के लिए तैयार है। मुसाफिरों से कि गेट नंबर 11 से जहाज पर तशरीफ ले जाएं। शुक्रिया। लोगों को खुदा का खौफ भी नहीं। तू कसम, तू आदमी लेकर आया? किसको बोल रहे मियां? बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे जी। 23F, यस सर। थैंक यू, थैंक यू। भाई मियां, अपना सामान अपने तौर पर रखे। क्या कर रहे हैं? ये हवाई जहाज है मियां, रेलगाड़ी नहीं है। चलें चलें, अपने साहबजादी को उठाएं, ये मेरी सीट है। साहबजादी? वो मेरे की वालदा है, समझे? देखें, ये बोटिंग कार्ड के ऊपर मेरी सीट नंबर लिखा जी। क्या मसला? ये इधर बताइए। ये देखें, मेरी सीट पे बैठी है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, प्लीज उठिए यहाँ से। मस्त हाथी की तरह चले आते हैं, बैठो मारो। अस्सलाम वालेकुम जी। आप जी, ये चश्मे वाले साहब है ना, इनके साथ। कौन ये चश्मे वाला? जी ये साहब। चश्मा काहे को लगाया? जी आप उनसे पूछ लीजिए। आइए साहब। अच्छा, गुड सर्विस, गुड सर्विस। अस्सलाम वालेकुम भाई। तुझे भी वालेकुम सलाम। एक्सक्यूज मी, यस, ये मेरी सीट किधर है? सर आपकी सीट तो यही है, आप बैठते क्यों नहीं? ये उठ जावे नहीं तो ये फेंक दूंगा इसके ऊपर। एक सेकंड सर। नहीं नहीं, सोने दे इनको, मैं पैदल पिंडी चला जाता हूँ। सर एक सेकंड प्लीज। ए भाई उठिए प्लीज। चिल्लाने की खामा खामे नहीं, एक तो आप मेरी सीट के ऊपर कब्जा किए, ऊपर से खामा खामे बात कर रहे हैं। भाई मेरे बैठ जाओ, तुम्हारी सीट तो आप बैठने दोगे तो मैं बैठूंगा ना। बैठो मियां प्लीज। थैंक यू, हमने भी लिया। गुड सर्विस। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? प्लीज आप तशरीफ रखिए। आपका नाम प्लीज, ये कौन सा नाम है? गुड सर्विस, थैंक यू सर। थैंक यू। जरा उधर होना भाई। सलाम अलैकुम भाई साहब, आप भी पिंडी जा रहे हो? भाई साहब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप पिंडी जा रहे हो? बेरा भी है, अंधा भी। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आप फिल्मों में आती हैं? अरे हटे, आपको गलत फहमी हो गई है। अच्छा, बिल्कुल आपकी शक्ल तो बिल्कुल आर्टिस्टों वाली है। अच्छा, बहुत अच्छे। सर, जी आप प्लीज, आपकी सीट ये है भैया। मेरी सीट वो है। गुड सर। थैंक यू सर, बैठिए प्लीज। वेरी गुड सर्विस। इधर जाए दो मिनट, इधर उधर यार, उधर हटके बैठ यार, क्या तंग कर रहे हो? पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं भाई मेरे। मैं अपनी नींद को 3 दिनों से पलकों पे लिए हुए घूम रही हूँ। तो अपनी पलकों पे लेके घूमो, मेरे कंधे पे काय को लेके घूमते हो? ठीक है आराम से बैठो। आप पिंडी जा रहे? ये तो बेरा है। ऑटोग्राफ प्लीज। ओए नामराता, ओए बेमराता, बदनसीबा मुझे कहाँ ले आया है जहाँ मुझे कोई जानता ही नहीं। उस्ताद तुमसे कोई काम ऐसे किए होते तो तुम्हारे भी ऑटोग्राफ। अब मुझे मौका दे आप। टांगों में घूमने वालों और टांगों में सफर करने वालों, और तुमको जहाज तक ले आया हूँ। अब तू क्या चांद पर जाएगा और जलाद लाकर दफनाना चाहता है? नहीं, क्या नहीं, मौका लेना चाहता, मुझे मिट्टी नहीं, देना चाहता? नहीं नहीं उस्ताद, इस दफा मुकाबला मौसीकी में मुझे चांस दिलवा दे बस। मर जाए तू, जो लोगों से चोरी छुपे गाया कर, तू बाथरूम सिंगर ही चंगा है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। उस्ताद सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या कलावती बजाए आपने, वाह। बड़ी मेहरबानी, बड़ी शिनास रखते हैं आप तो, बड़ी मालूमात रखते हैं। बस ऐसी शौकीन हूँ मैं थोड़ा।
ये जो छोकरे हैं ने, हाँ जी, इन लोगों ने तो आपको हिला दिया होगा। मुझे क्या हिलाएंगे, ये लोग सिर्फ हिला सकते हैं, मिला नहीं सकते सुर से सुर। मिसाल के तौर पे जी जी उस्ताद बहुत अच्छे। देखिए सर, आपने सब मुसाफिरों को परेशान किया है, प्लीज आप अपनी सीट पे बैठिए। मेरे से क्या जिद लगाई आपने? प्लीज आइए, आप बैठते हैं बाद में मिलते हैं। आइए प्लीज। मैं क्या भाई जान, दोबारा जरूर आना, मैं आपको झंझोटी सुनाऊंगा। हाँ जी, बड़ी मेहरबानी। इसको तो पकड़ के रखा है मेरे। अब एवरीथिंग ओके? यस सर, ओके। गुड। और नासिर क्या हाल है? फाइन सर। यू लुक फ्रेश टुडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खवातीन और हजरात, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको ईद फ्लाइट की जानिब से खुश आमदीद कहते हैं। हम 9300 मीटर वॉक करते हुए इंशाल्लाह 1 घंटा 40 मिनट में इस्लामाबाद के बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। 1 घंटा 40 मिनट। हम परवाज के लिए तैयार हैं। आपसे दरख्वास्त है कि अपने हिफाजती बंद बांध लीजिए, अपनी कुर्सियों की पूछ सीधी रखिए, खाने की मेज बंद कीजिए और नोशी से परहेज कीजिए। हमें उम्मीद है आपका सफर हमारे साथ खुशगवार गुजरेगा। शुक्रिया। आप प्लीज ये बेल्ट बांध ले, आपने अनाउंसमेंट नहीं सुनी है? सुनी है मैंने, मैं बेल्ट नहीं बांध सकता, मैं सलवार कुर्ता पहना हुआ हूँ। ओफो, ये हिफाजती बंद है, आप प्लीज बांध लीजिए। बांधते बांधते इसमें इतना रूड होने की, या तू तो सीधे बैठने। सर किसी चीज की जरूरत हो तो आप ला लीजिएगा। वाह 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 वाह, गुड सर्विस। हाँ, पहले बेल्ट बनवा देते हैं, बाद में बोलते हैं किसी चीज की जरूरत हो तो मंगवा लीजिएगा। मिस, मेरी बात सुनेंगी आप? मेरे पास मैं टाइम कहना नहीं चाह रहा हूँ फजूल बातें सुनने का। ए, डांट पड़ी ना तेरे को, लड़की को छेड़ता था ना तू? रिपोर्ट करूंगा मैं तेरी। छोकरी को छेड़ रहा था तू छोकरी को। आप मेरी बात सुनेंगे? क्या क्या बोल, क्या बात है? तूने अभी छेड़ा नहीं, इशारे नहीं कर रहा था तू छोकरी को? ए, नहीं यार, वाकई अजीब आदमी है आप। आपको मैंने कितनी मर्तबा कहा है कि प्लीज आप अपनी सीट पर बैठिए, एक बात समझ में नहीं आती आपकी, प्लीज आप बैठिए। बैठते हैं गुड सर्विस। थैंक यू, गुड सर्विस। पहले पूरे जहाज में मैं मिला हूँ डांटने के लिए। इसमें कोई हंसने की भाइयों, अरे यार तू तो सीधे बैठ। कंट्रोल टावर, दिस इज फ्लाइट GA332, आस्किंग फॉर परमिशन टू टेक ऑफ। लैंडिंग गियर अप। इसमें सोचने की क्या बात है, अगर वो आया है तो उसे आने, तुम अपने काम से काम रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वैसे तुम अगर तुम उससे मिल लोगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे ये नीता, कितना अच्छा है तुम्हारा मंगेतर, नहीं समझती इन मर्दों को, ये बहुत चलाक होते हैं। घर वालों से कहते हैं कि मैंने अपनी मंगेतर, और मंगेतर से कहते हैं कि मैंने तुम्हारी वजह से घर वालों को खूब सुनाई। इनके दोगलेपन को तो मैं खूब समझती हूँ। नहीं नीता, सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। देखो, एयरलाइन में काम करने का मुझे ये तो फायदा हुआ है कि बार बार के लोगों को मिलकर उनकी आदतों से खूब वाकफी। खैर तुम जाओ, ये मेरा मसला है। ओके। एक्सक्यूज
रोजमी जी फरमाइए, आपको इस प्रोफेशन कितने साल हो गए जी? जी कुछ 4-5 साल। सुभान, क्या कहने, इतना अच्छा फेस लेकर आप एयर होस्टेस बन गई जी। आपको तो शो बिजनेस में जाना चाहिए, आपको कुछ शो बिजनेस से दिलचस्पी है? नहीं जी बिल्कुल नहीं। दरअसल मैं एक फिल्म बना रहा हूँ। हाँ जी, मेरा एक मशवरा है आपको। क्या जी? आप फिल्म ना बनाएं, ईद के कपड़े बनाएं। मरे मैं ना होते हैं, शोही नगर है मेरे साथ, मैं बात कर रहा हूँ। हाँ तो जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ क्लासिकी पर, तो उसमें आप हीरोइन बनना पसंद करेंगी? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। बुरा था तो त्या मनमोहतिया, मुझे कैसी जगह ले आया है, यहाँ तो मुझे कोई पहचानता ही नहीं। उधर चलो ना, रक्षे से चलते हैं। हाँ यार ठीक है, हम सवारियां ही टक्के की, हम गलत जहाज में बैठ गए। आपसे एक रिक्वेस्ट है जी। जी, एक बाल्टी गन्ने का। क्यों? सर बड़ी बात है। लो, पीते क्या? मैं 2 पीऊ। देखा, पहले जो बोल रहा था मैं। लो शुक्रिया। शुक्रिया। आपने लड़के को देखा? देखा क्या, देख भी रहा हूँ, बरत भी रहा हूँ। मैं इसकी बात थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो वो पीछे वाले लड़के की बात कर रही हूँ। वो? हाँ। अच्छा है, जाओ ना देखो तो सही, कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, जाओ जरा। जो क्या जाओ, तुम तो हथेली में सरसों जमाती हो। जाऊंगा भाई। फिरोज, मैं दुबई से 9 साल के बाद एक पंथ दो का आज आया हूँ। वो क्या अख्तर भाई? यार इसी बहाने घर वालों के साथ ईद भी मना लूंगा और अपने पुत्र की शादी भी कर लूंगा। ये तो भी कमाल हो गया यार, पुत्र की शादी करने में क्या कमाल हो गया? नहीं भाई, बात दरअसल ये है कि मैं भी 7 साल के बाद अपनी बेटी की शादी करने के लिए मस्कत से आ रहा हूँ। वाह भाई वाह, वाह, ये तो वाकई कमाल हो गया। ठीक किया। कितने दिन रहोगे? यार 1-1.5 महीना तो मैं जरूर रहूंगा पाकिस्तान में। पूरे 9 साल दिन रात यार मैं दुबई में मेहनत करता रहा हूं। जितनी मेहनत दूसरे मुल्कों में जाके करते हो ना, इतनी मेहनत अपने पाकिस्तान के लिए करो, देखो पाकिस्तान इधर से इधर पहुंच जाएगा। ओए भाई, पता नहीं कौन है लेकिन बात पति की कर गया। आपके वालिद क्या कर रही है? बिजनेस करते हैं। क्या बिजनेस? मुझे बहुत पसंद है और मुझे बिजनेस करने वाले खानदान की जरूरत है। आपका मतलब नहीं समझा अंकल। मतलब कौन था? अल्लाह मेरा अंगूठा। अरे क्या हुआ शन्नो? अरे मेरा अंगूठा कुछ चल गया। अरे पांव खुदल दिया शन्नो का, बेनथे बैल। अरे तू हमेशा के वास्ते क्यों नहीं गुजर जाता? या काहे को नहीं बैठ जाता भाई तू? मैं हमेशा खिड़की वाली सीट पे बैठता हूँ। खिड़की वाली सीट पे मुझे भी धक्का दे दिया ना, पूरा चार्ज हिला दिया इसने। कौन है ये? अबे इधर देख ये क्या हो रहा है, परेशान कर दिया। ये जहाज वाले देखभाल के क्यों नहीं बैठाते लोगों को? अगर देखभाल के बैठाते ना तो आप लोग दुम पे सफर कर रहे होते। ये आपके भाई हैं क्या? हाँ, आप क्या समझे? हरुका है, जापानी पहलवान। आप इनके मियाँ हैं? जी हाँ। आप क्या समझे? मैं समझे कि आप शेवर का मुर्गा है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। मुसीबत भाई जहाज के पीछे। Excuse me. जी। ये आपके भाई के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। हाँ जी, बस मजबूरी है। एक बात पूछ सकता हूँ, आपके भाई के बहनों ही क्या करते हैं? तो, मैं समझ गई, दरअसल मेरी शादी नहीं हुई अभी। आर यू श्योर? जी
हाँ जी बहुत अच्छे भाई बहुत अच्छे ए, मंदिर का पुत्र बन जा।